Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video, I'm gonna explain unit 5 of Marigold for class 5. So let's get started. This is a poem named The Lazy Frog, Kahil aur Sust Medhak. Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. फ्रेड बहुत ही काहिल और सुस्त मेढक है जो पूरे दिन लकड़ी के लट्ठे पर बैठा रहता है. ही ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क डूइंग ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क. वो हमेशा एक भी काम करने से बचने की कोशिश करता रहता है. हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन, कम इन एंड हेल्प, ही डज नॉट बोदर. उसकी बूढ़ी बेचारी माँ बेकार में उसे बुलाती रहती है कि अंदर आओ और हेल्प करो, लेकिन वो दो इंच भी, ही डज नॉट बॉदर टू मूव टू इंचेस, वो दो इंच भी आगे बढ़ने की क्या या हिलने की हिम्मत नहीं करता है. मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, बल्कि वो बड़ी मुश्किल से कोई बात सुनने को तरजीह देता है, यानी ना सुनने के, हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब ना सुनने का बहाना करता है. ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप एंड स्टेज कन्वीनियंटली अस्लीप. वो वहीं पे खामोश जगह में पड़ा रहता है और आराम से सोता रहता है. If a lady frog hops past, you would think he would get up at last. अगर कोई लेडी मेढक उसके पास से गुजरती है तो आपको लगता होगा कि वो आखिर में उठ जाएगा. टू गो एंड हेल्प हर ऑन हर वे, और उठ करके वो उसकी, झुक करके उसकी मदद करेगा उसके रास्ते में चलने में. बट नो, आई एम अशेम टू से दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय, He does not open up even one eye. लेकिन नहीं, मुझे ये कहते हुए शर्म आती है, पोएट कहता है कि मुझे कहते हुए शर्म आती है कि जब, हाँ दैट वेन मतलब उस टाइम पे भी जब लेडी फ्रॉग वहाँ से उसके पास से गुजरती है तो वो एक आँख भी नहीं खोलता है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन. हेयर आर सम न्यू वर्ड्स एंड we will discuss it somehow. Loll, to lie around lazily, मतलब सुस्त हो करके आलसी पने के साथ क्या है, पड़े रहना. Log, trunk of a tree, पेड़ का क्या होता है, तना होता है, that has been cut, जिसको काट दिया जाता है तो उसको हम तना को log बोलते हैं. Shirk, to not do something you should do, मतलब कोई काम जो तुम्हें करना चाहिए वो ना करना, मतलब काम करने से बचना, काम चोरी करना. ठीक है, इन वेन मतलब यूजलेसली, बेकार. प्रीफर मतलब लाइक समथिंग बेटर, मतलब कोई चीज़ ज़्यादा पसंद करना, तो वो क्या है, हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब बहरा, ना सुनने वाला. ठीक है, बहरे का वो क्या करता है, बहाना करता है, वहाँ पीछे आ चुका है. बो, टू बेंड योर हेड टू शो रेस्पेक्ट, किसी के सामने झुक करके क्या करना है, उसके रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना. सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनिट 5 ऑफ मैरीगोल्ड फॉर क्लास 5. आई होप यू गॉट इट, एंजॉयड इट, कीप इट अप, द गोल इज अहेड ऑफ यू.